फ्रेंड, टुडे वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज पॉलिटिक्स, डिस्कस पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस ऑफ कंसिलिएशंस और इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं SOLDU के रेगुलर कॉलेज में भी ये क्वेश्चन आता है। पॉलिटिकल साइंस है ये, BA फर्स्ट ईयर के लिए, जिसका ये सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, आप चेक कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज शाहुल जॉन, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ये क्वेश्चन। व्हाट इज पॉलिटिक्स, डिस्कस पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्सिलिएशंस ऑफ इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। यानी कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है। डिस्कस पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस ऑफ कंसिलिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। क्या सोसाइटी में इसका क्या प्रोसेस करता है पॉलिटिक्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि सोसाइटी में हमारे बारे में किस तरीके से हेल्प करता है पॉलिटिक्स। आंसर है, सबसे पहले हम लिखना चाहिए हमें मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। मीनिंग जानेंगे सबसे पहले हम, और जैसे ये नोट्स है वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना होगा मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ इन सोसाइटी। पॉलिटिक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है सोसाइटी की। इफ वन ट्राइज टू आर्ग्यू दैट ऑन अ मैक्रो बेसिस लाइफ, अगर कोई आर्ग्यू करता है, आर्ग्यू करने की कोशिश करता है ऑन अ मैक्रो बेसिस पे, यानी कि बड़े लेवल पे, लाइफ विदाउट सोशल और पॉलिटिकल थॉट इज देन वन रॉन्ग। तो बिना किसी सोशल, तो बिना इसके सोशल और पॉलिटिकल थॉट के बारे में, थॉट से इसके बारे में नहीं सोचा जा सकता है। Why and in what manner people behave in their economic and political activities? क्यों और क्या manner में लोग behave करते हैं economic और political activities में, should be systematically studied. यह हमें systematically studied करना चाहिए। That is what the study of politics seeks to do, and political behavior is almost entirely linked to economic and social behavior and interest and vice versa. That is what the study of political seeks. क्या बताता है politics, क्या आपको अनुरोध करता है कि आपको क्या पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है इसमें आप पढ़ेंगे political behavior के बारे में, जो entire linked करता है किससे, पूरा का पूरा किससे link करता है, economic and social behavior से। Nowadays young people often pompously declare, आज के समय में young people जो है pompously declare करते हैं, यानी कि आडंबर पूर्वक declare करते हैं, यानी कि भड़कीले तौर पर declare करते हैं, I am not interested in politics, कि मैं, मेरा कोई interest नहीं है politics में। To them politics is some disreputable art of manipulating one's way into position of state power and personal and party gains. वो ये मानते हैं ये लोग कि जो पॉलिटिक्स है disreputable आर्ट है, manipulating है, और ये किस लिए की जाती है कि पोजिशन मिल जाए उनको, पावर मिल जाए, पोजिशन मिल जाए जिससे वो अपना रूल कर सके कंट्री पर। एंड दे डोंट लुक फॉरवर्ड टू बींग कॉल्ड अ पॉलिटिशियन, और वो आगे नहीं बढ़ते कि वो उनको कभी कोई बोले कि तुम पॉलिटिशियन हो, यानी कि वो बनना ही नहीं चाहते आज की यंग जनरेशन। देयर वर्किंग लिप्स, इनफैक्ट द वर्ड हैज ऑलमोस्ट ग्रेजुअली बिकम अ टर्म ऑफ अब्यूज। आज के समय में ये जो वर्ड है पॉलिटिकल, क्या पॉलिटिक्स क्या बन गया, एक तरीके का अब्यूज बन गया है लोगों की नजरों में। एज फार एज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज रियली कंसर्न,
दिस इज द मोस्ट नेटिव एंड डम नोशन एज फार एज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज रियली कंसर्न दिस इज मोस्ट नेव एंड डम नोशन. यानी कि पॉलिटिक्स आज के समय में क्या है, एक नेव एंड डम नोशन है. यानी कि नेव मतलब अनुभवहीन जिसमें एक्सपीरियंस ना हो, डम मतलब गुंगी, और नोशन मतलब धारणा या आज का विचार. तो पॉलिटिक्स क्या बन चुका है, नेव एंड डम नोशन. आपको मैंने बता दिया नेव मतलब क्या होता है, जिसको एक्सपीरियंस ना हो, अनुभवहीन, डम मतलब गुंगी और नोशन मतलब विचार. तो पॉलिटिक्स क्या बन चुके हैं, डम एंड नेव एंड डम नोशन बन चुके हैं. एक्चुअली वी आर ऑल पॉलिटिशियन, एक्चुअली हम सारे पॉलिटिशियन ही हैं. इन एवरीथिंग वी से और डू, हम हर चीज हम कहते हैं और करते हैं. वी आर टेकिंग अ पोजिशन दैट इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल पोजिशन. हम लेते हैं कोई पोजिशन और एक्चुअली पॉलिटिकल पोजिशन, वेदर वी लाइक इट और नॉट, चाहे हमें वो पसंद हो या ना पसंद हो. और फॉर पॉलिटिक्स कंसर्न एवरीथिंग इन लाइफ, पॉलिटिक्स को कंसर्न करते हैं एवरीथिंग इन लाइफ, यानी कि लाइफ में हम यूज करते रहते हैं पॉलिटिक्स को. व्हाट एंड वेदर यू विल बी एजुकेटेड, आप अगर एजुकेटेड हो या ना भी हो, फिर भी आप पॉलिटिक्स का यूज करते ही रहते हो. व्हाट एंड वेदर यू विल गेट अ जॉब, हाउ मच मनी यू नीड टू पे योर बिल्स एंड रन योर लाइफ एंड दैट ऑफ योर फैमिली, हाउ मच मनी यू कैन और शुड अर्न एंड फ्रॉम इट, हाउ मच यू नीड टू एंड शुड सरेंडर इन टैक्सेस टू द स्टेट एटसेट्रा. यानी कि आपको चाहे आप बिल भर रहे हो या जॉब कर रहे हो या डेली लाइफ में जो भी आप सर्वाइव कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो कैसे भी, या टैक्सेस दे रहे हो या सरेंडर कर रहे हो टैक्सेस का, ये सब क्या पॉलिटिक्स के ही एक रूप होते हैं. आपको पता है कि इसे ही पॉलिटिक्स कहा जाता है. हर चीज में जब कोई बच्चा पैदा होता है तब वो पैदा होते ही पॉलिटिक्स में ही जुड़ जाता है और पॉलिटिक्स में ही मरता है. इसलिए बोला गया है वी आर ऑल पॉलिटिशियन, आर ऑल पॉलिटिकल क्वेश्चन, शुड योर एजुकेशन एंड प्रेपरेशन इन लाइफ बी द सेम ऑफ द एवरीबॉडी, आल्सो शुड सम पीपल अदर देन यू हैव मोर और लेस अपॉर्चुनिटी देन यू हैव. एजुकेशन प्रेपरेशन लाइफ बी सेम ऑफ एवरीबॉडी एल्स और शुड सम पीपल अदर देन यू हैव मोर और लेस अपॉर्चुनिटी. ये सब इसमें आते हैं, ये इजी है वैसे. इवन वेदर वॉट यू कॉल योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसको आप प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हो, और शुड बी स्ट्रिक्टली योर ओन, और इज और शुड बी ओन अल्टीमेटली बाय द होल ऑफ सोसाइटी. और जो जिसे तुम स्ट्रिक्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हो, ये सब नेशन, वॉट राइट यू कैन, जो तुम राइट है तुम्हारे पास जो कर सकते हो, यू शुड हैव टू डिस्पोज ऑफ योर प्रॉपर्टी एज यू लाइक आर पॉलिटिकल क्वेश्चन. इन अदर वर्ड, हम इस अदर वर्ड में जानेंगे लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव फ्रीडम. जो लेवल होता है इंडिविजुअल का, कलेक्टिव फ्रीडम का, क्वालिटी, अदर जस्टिस, राइट्स एंड ड्यूटीज आर ऑल पार्ट ऑफ द रियल्म ऑफ पॉलिटिक्स. चाहे वो इंडिविजुअल हो, कलेक्टिव फ्रीडम हो, क्वालिटी हो, जस्टिस हो, राइट हो, ड्यूटीज आर ऑल पार्ट ऑफ द रियल्म ऑफ पॉलिटिक्स. ये सभी किसका रियल्म है, पॉलिटिक्स का. तो मैंने आपको यहां से थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया आपको, और जो ये है कि इतना तो हमें सेम लिखना ही है, पर इसमें से कुछ बातें आपको पढ़नी है और ध्यान में रखनी है. तो हमने पॉलिटिक्स के बारे में क्या जाना है यहां से, कि पॉलिटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारी लाइफ की. इसमें सब चीज आती है, चाहे वो फ्रीडम हो, चाहे वो क्वालिटी हो, जस्टिस हो, राइट्स हो, ये सब हमने यहाँ पर जाना. ठीक है, कुछ पॉइंट तो आपको इसमें से बिल्कुल हो सकता है सेम भी लर्न कर सकते हो, तो नहीं तो उसको आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो उसको समझ के. अब हम नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट था पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस ऑफ कंसिलिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन द सोसाइटी. कि पॉलिटिक्स एक प्रोसेस है कंसिलिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन द सोसाइटी.
ठीक है, जो हमारे लिए हेल्प करता है। द लिबरल व्यू इवॉल्व ओवर टाइम इन वेस्टर्न यूरोप इन द राइटिंग ऑफ थिंकर्स लाइक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, बैंथम, जेएस मिल, टी एच ग्रीन, लास्की, बारकर, मैक्लेवर, जेबीडी मिलर, बर्नार्ड क्रेक, मॉरिस, ड्यूवेगर एटसेट्रा। द मैन थ्रस्ट ऑफ दिस व्यू इज दैट मैन इज अ सेल्फिश सेल्फ इंटरेस्टेड बींग एंड द परस्यूट ऑफ हिज सेल्फिश गोल्स लाइक टू क्लैश कोलाइड विद अदर मैन रिजल्टिंग इन डिसऑर्डर इनडिसिप्लिन एंड चाओस। पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ द सोशल प्रोसेस टू मैनेज एंड प्रोवाइड कंसिलिएशन इन सच कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दस फॉर प्रोवाइडिंग लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी विच अकॉर्डिंग टू द लिबरल व्यू कॉन्स्टिट्यूट द फंडामेंटल ऑफ जस्टिस। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किस किसने क्या व्यूज दिए हैं, चाहे वो जॉन लॉक हो, चाहे एडम स्मिथ हो, जेएस मिल हो। और यहाँ जो मेन बात यह है कि पॉलिटिकल इज अ पार्ट ऑफ द सोशल प्रोसेस, कि पॉलिटिक्स एक पार्ट है सोशल प्रोसेस का, टू मैनेज एंड प्रोवाइड कंसिलिएशन इन सच कॉन्फ्लिक्ट, जो कि मैनेज करता है, प्रोवाइड करता है कंसिलिएशन इन सच कॉन्फ्लिक्ट, जो कि लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द लिबरल व्यू। ये लिबरल व्यू के द्वारा आपको बताया गया है कि पॉलिटिक्स ये सब करता है। द लिबरल व्यू एज हैज बीन मेंशन्ड इवॉल्व ओवर टाइम। लिबरल व्यूज मेंशन करता है इवॉल्व ओवर टाइम को। द अर्ली लिबरल व्यू वाज दैट ओनली द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग विद हिज सेल्फ इंटरेस्ट। पहले के टाइम में क्या था, लिबरल व्यू कहते हैं इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के लिए थे, जो कि सेल्फ इंटरेस्ट को, एंटरप्राइज को, डिजायर को, रिचनेस को, हैप्पीनेस को एंड रीजन कैन बी द फाउंडेशन ऑफ द स्टेबल सोसाइटी। जो जब लिबरल व्यू पहले के समय में कैसे थे, जो कि बताते थे सेल्फ इंटरेस्ट को, एंटरप्राइज को, डिजायर को, रिचनेस को, हैप्पीनेस को, जो कि स्टेबल सोसाइटी का फाउंडेशन थी। थिंकर्स लाइक थॉमस हॉब्स जैसे थिंकर्स ने, चाहे जॉन लॉक हो, चाहे एडम स्मिथ हो, नॉट जस्ट सो मैन एज अ सेल्फिश, उन्होंने किसी भी को मैन को सेल्फिश नहीं देखा, इगोस्टिक नहीं देखा पहले के समय में। बीइंग व्हाई कंसर्न्ड ओनली विद हिज ओन सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड नॉट अ सोशल और मोरल बीइंग, दे इवन आर्ग्यू दे वाज ऑल फॉर द बेस्ट, बिकॉज व्हेन एवरीबॉडी ट्राइज टू प्रमोट हिज ओन सेल्फिश इंटरेस्ट द यूटिलिटी ऑफ हैप्पीनेस ऑफ सोसाइटी एज होल इज मैक्सिमाइज। जैसे ही ट्राई करते हैं प्रमोट करने के लिए सेल्फिश इंटरेस्ट को, तो क्या होता है, यूटिलिटी या हैप्पीनेस सोसाइटी की मैक्सिमाइज्ड हो जाती है। तो यहाँ पर आपने लिबरल व्यू को पढ़ा, जो कि बताता है इन सारी चीजों को, जिसमें रिचनेस, हैप्पीनेस, रीजन ये सब आते हैं। और ये बताया गया हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, एडम स्मिथ ने बताया कि जैसे जैसे आर्ग्यू तो देखे जाते हैं कई बार, पर सेल्फिश इंटरेस्ट को जब आगे प्रमोट किया गया तो यूटिलिटी, हैप्पीनेस क्या हो गई, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज होने लग गई। इन 20th सेंचुरी में द लिबरल व्यू चेंज एंड थिंकर लाइक, फिर बाद में क्या है, ये 20th सेंचुरी में चेंज हो चुका था। जो इंडिविजुअल लिबरल हमने यहां पर पढ़ा था कि उनका मतलब सिर्फ इससे था, डिजायर से, रिचनेस से, हैप्पीनेस से, ये सब था। इन 20th सेंचुरी द लिबरल व्यू चेंज एंड थिंकर्स लाइक बेंटले, ट्रूमैन, जीडीएच को, लास्की, मैक्लेवर, ये सब वापस उस समय में आए 20th सेंचुरी में, सजेस्टेड दैट सोसाइटी इज नॉट जस्ट कंपोज्ड ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड। उन्होंने बोला कि सोसाइटी कोई सेल्फ इंटरेस्टेड को कंपोज नहीं करती, सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल, बट आल्सो ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। ऊपर वाले थिंकर्स ने बताया कि वो इंडिविजुअल को मानते हैं, या 20th सेंचुरी वालों ने माना, जो आए यहाँ पर थिंकर्स, उन्होंने बोला ये इंडिविजुअल नहीं है,
बल्कि इसमें ग्रुप्स आते हैं दैट कैन बी अलोंग द लाइंस ऑफ सोशल, रिलीजन, कल्चरल, कमर्शियल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, थ्रू विच मैन फुलफिल्स हिज इंटरेस्ट एंड नीड्स। ये सब चाहे रिलीजन हो, ये इसमें आ रहा है ग्रुप में, सोशल भी ग्रुप में आ रहा है, कल्चरल में आ रहा है, कमर्शियल आ रहा है, इकोनॉमिक आ रहा है, ये सारी चीजें ग्रुप में आती है। यानी कि लिबरल ने तो इंडिविजुअल को साथ दिया, सजेस्ट करा, पर 20th सेंचुरी में थिंकर्स ने उनके विचार बदले, उनके थॉट बदले, और उन्होंने इंडिविजुअल को इंटरेस्ट ग्रुप बताया जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। हाउएवर लाइक इंडिविजुअल, द ग्रुप्स डेमसेल्व आर ऑल्सो बेस्ड अपन सेल्फ इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटिशन। द ग्रुप एंड एग्रीगेट ऑफ ग्रुप आर कॉन्स्टेंटली इन कॉम्पिटिशन, एंड दिस कॉम्पिटिशन इज फॉर द गुड ऑफ अ फ्री सोसाइटी, एंड दिस कॉम्पिटिशन शुड बी अलाउड, बट शुड बी सीन दैट इट डज नॉट लीड टू वायलेंस एंड चाओस। और जो एक ग्रुप आए, एग्रीगेट करा ग्रुप ने, द ग्रुप एंड एग्रीगेट ऑफ ग्रुप्स, एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा होना, कॉन्स्टेंटली आगे आए, तो कॉम्पिटिशन, दिस कॉम्पिटिशन इज फॉर द गुड ऑफ फ्री सोसाइटी एंड दिस कॉम्पिटिशन शुड बी अलाउड, ये कॉम्पिटिशन अलाउ किया गया, शुड बी सीन दैट डज नॉट लीड टू वायलेंस एंड चाओस। पर उन्होंने बोला कि लीड नहीं होना चाहिए, इसके ना वायलेंस नहीं होना चाहिए और चाओस नहीं होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट इसी पैराग्राफ में पढ़ा था इंडिविजुअल के बारे में, यहाँ पर इंटरेस्टेड ग्रुप में आए, ग्रुप में इंटरेस्ट दिखाया गया 20th सेंचुरी में। फिर है इन द रिबल लिबरल व्यू, देयर फॉर फंडामेंटली द इंडिविजुअल इज द रियल सोशल एंटिटी एंड द सोसाइटी इज आर्टिफिशियल। द लिबरल व्यू में बताया गया कि देयर फॉर फंडामेंटली द इंडिविजुअल इज द रियल सोशल एंटिटी एंड द सोशल इज आर्टिफिशियल। तो इंडिविजुअल क्या है, रियल सोसाइटी सोशल एंटिटी है, और सोसाइटी इज आर्टिफिशियल, सोसाइटी आर्टिफिशियल है। होप्स ने बोला, होप्स फॉर इंस्टेंस कॉल्ड सोसाइटी लाइक अ सेक ऑफ कॉर्न। उन्होंने बोला कि सोसाइटी सेक ऑफ कॉर्न है, यानी कि एक जहां पर एक ऐसा बोरा जिसके अंदर कौन कौन रखे गए हैं, विद द कॉर्न्स बींग द इंडिविजुअल हु परस्यू, जहां पर कौन इंडिविजुअल है यानी कि एक एक करके रखे गए हैं देयर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट से। बेंथम कॉल्ड सोसाइटी द क्रिएशन ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बेंथम ने बोला कि सोशल, बेंथम कॉल्ड सोसाइटी द क्रिएशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोसाइटी क्या है, क्रिएशन है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, बिटवीन इंडिविजुअल हु आर आफ्टर इंडिविजुअल एंड्स, किसके बीच में, इंडिविजुअल और हु आर आफ्टर इंडिविजुअल एंड, जब इंडिविजुअल एंड हो जाए। मैक फेरसन ने बोला दिस कंसर्न ऑफ सोसाइटी द फ्री मार्केट सोसाइटी। उन्होंने बोला ये फ्री मार्केट सोसाइटी है, अ मीटिंग प्लेस ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल, अ सोशल बेस्ड अपॉन फ्री विल, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। और ये सेल्फ इंटरेस्ट इंडिविजुअल बताया, सोशल बेस्ड बताया, कंपटीशन और कॉन्ट्रैक्ट बताया, इनमें से आपको कुछ मेन बातें लेनी है। फिर है इन द प्रोसेस हाउएवर लिबरलिज्म एक्नोलेजेस देर आर लाइकली कंफ्लिक्ट फॉर वेरियस काइंड लाइक बिटवीन इंडिविजुअल, बिटवीन ग्रुप, बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस, बिटवीन ग्रुप अलोंग लाइंस ऑफ इकोनॉमिक, जोग्राफिक, कल्चर और एथनिक एटसेट्रा। प्रोसेस है तो लिबरलिज्म है, एक्नॉलेज करता है इन सबको, इंडिविजुअल को, बिटवीन ग्रुप को, बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस, बिटवीन ग्रुप्स अलोंग लाइंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिक, कल्चर, एथनिक एटसेट्रा। लिबरलिज्म बेसिकली बिलीव एज हैज बीन मेंशन अबव दैट द रोल ऑफ सोसाइटी इज टू मेडिटेट इन दीज डिस्प्यूट, बट लेटर लिबरल राइटर्स लाइक ग्रीन एम्फसाइज द सोशल नेचर ऑफ मैन, द नीड टू गेट एवरीबडी टू कोऑपरेट। सबको जान के ग्रीन एम्फसाइज ने बताया कि सोशल नेचर ऑफ मैन
एंड द नीड टू गेट एवरीबडी टू कॉर्पोरेट, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, कॉर्पोरेट करना चाहिए, मैक्स वेबर एंड कार्ल मैनिकम ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर कॉर्पोरेशन एंड इन फैक्ट आर्ग्यू दैट फॉर कॉम्पिटिशन टू बेनिफिट सम कॉर्पोरेशन एसेंशियल विदाउट विच चाउस एंड वॉयलेंस वुड बी द लाइकली रिजल्ट। और कार्ल ने भी ये बताया कि सबको कॉर्पोरेशन यानी कि कॉर्पोरेट करना चाहिए आपस में, और अगर आप किसी भी चीज का तो इससे इसका रिजल्ट क्या होगा, चलेगी पूरे किसी भी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में। तो हमने इसमें ये पूरा क्वेश्चन पूरा कर लिया है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, डिस्कस पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस ऑफ कंसिलिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में पूरा करके आना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन द सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। अगर आप ये टॉपिक देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और अब आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं, बस आपको टाइप करना होगा SAHUL साहुल।